वेलकम बच्चों। सो जैसे कि लास्ट टाइम हमने टेस्ट ली थी उसके ऊपर हम टेस्ट के एक्सप्लेनेशन लेने वाले, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बाकी के क्वेश्चन हमारे थेरोटिकल है, ऊपर से वो हो चुके क्वेश्चन से बहुत बार। ठीक है, सो हम उसको ऐसा नहीं कि उसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, उसको भी सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे, न्यूमेरिकली देखेंगे। ठीक है, सो चलो हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आपको क्या करने हैं कि वो जो क्वेश्चंस आपको मैं भेजता हूँ क्वेश्चन पेपर के तहत, वो आपको अपने एक नोटबुक में कंटिन्यूअसली लिख के रखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उन्होंने जो कहा है वो ये कि यहाँ पर हमारे पास दिख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने डायमेंशंस दी है, L1 है, M1 है और T-2 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली है, ये सबको मालूम है, L1 M1 T-2, मतलब अगर बात अगर करते, देखो ये आगे पीछे हो सकता है, M के अनुसार किलोग्राम, L के अनुसार मीटर और टाइम के अनुसार सेकेंड, वो भी नीचे यानी सेकंड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आपको मालूम है ये पैरेलल है हमारे न्यूटन के। ठीक है, और न्यूटन हमारा फोर्स का यूनिट है, इसलिए हमारे पास वहाँ पे जो आंसर चाहिए था वो आंसर रहता हमारा फोर्स। ठीक है, यानी ये हमारे पास किसके डायमेंशन है हमारे, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है हमारे फोर्स का। ठीक है, वो चाहिए था। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेकिन हम इसको लास्ट में देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसलिए। अब इसके आगे के देख लेते हैं, ये हमारे पास पहला था, दूसरा, तीसरा है हमारे पास, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। ठीक है, ये ध्यान में रखो, शायद हमारे बोलने में आया नहीं होगा, लेकिन लाइट ईयर की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन है, टाइम है, मास है, डिस्टेंस है, ल्यूमिनोसिटी है। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखो, लाइट ईयर ये यूज़ किया जाता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत ही दूर के, जैसे सन है और हमारी अर्थ है, यानी बड़े बड़े स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते लाइट ईयर, और ये पॉसिबली आपके 9th क्लास 10th क्लास में भी हुआ है। तो ध्यान में रखना, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन नंबर फोर है, वहाँ पे ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा थर्ड था, ये फोर है। तो फोर में हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर, ऑप्शन है, फोर्स है, एक्सलरेशन है, वर्क है, प्रेशर है, और कम से कम 3 से 4 बार हुआ है कि टोटल एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा भी था, वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का जो यूनिट है वही यूनिट हमारे किसका है, वर्क का यूनिट है। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास ऑप्शन बनता है वर्क, ये ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट नहीं है ये कहता, उसने ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर है, केजी है, सेंटीग्रेड है, ठीक है, उसके बाद में होल्ट है। आप सबको मालूम है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, जैसे सेंटीमीटर है, ये हमारे पास मीटर का, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास में वो CGS में दिया, MKS में दिया है। ठीक है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी है, लेंथ है, और लेंथ के लिए हमारे पास में है सेंटीमीटर, मीटर ऐसे। ठीक है, यानी ये फंडामेंटल है। किलोग्राम हमारे पास में मास का यूनिट है, ठीक है, वो भी है। सेंटीग्रेड एक्चुअली हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर का हमने केल्विन में देखा था, तो केल्विन में भी मेजर करते हैं और सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना आज का टेम्परेचर कितना है, तो अभी का टेम्परेचर कितना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसमें केल्विन में कन्वर्ट करेंगे वो बात अलग है, मतलब ये तीनों की तीनों हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ होल्ट, ठीक है, तो ये जो हमारे पास में वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसका यूनिट है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होने वाला है वहाँ पर, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी नहीं है, मतलब यूनिट कौन सा नहीं, तो वोल्ट। ठीक है, ये आंसर रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसे हम देखते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है बच्चों कि टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसमें एक आधा एग्जाम्पल लेके पढ़ाया जाता, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़े तो उसके बाद में कोई दूसरे क्वेश्चंस आपको आ ही नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो चलो इसको पढ़ते, लेकिन हमारे पास टॉपिक तो नहीं चाहिए। देखो एरर, अब बात करते हैं हम एरर की। एरर हमने देखा है, जैसे कि स्टार्टिंग से देखो तो एरर के बारे में देखने के समय हमने सबसे पहले देखा था मीन वैल्यू, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर के बाद में परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर समझो, अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी ए है तो रिलेटिव एरर क्या होंगे, डेल्टा ए अपॉन ए एम, ऐसा हमने विचार किया था मैक्सिमम टाइम लिखते समय। जैसे अगर मान लीजिए कि क्वांटिटी ए है तो डेल्टा ए अपॉन सिंपली ए लिखा तो भी आपका चलता, ये एम नहीं लिखा तो भी चलता। वो इसलिए क्योंकि वैसे भी जो मेजर्ड वैल्यू होती है बार बार निकालते हैं उसकी, जो ये निकालते हैं मीन निकालते हैं एवरेज निकालते हैं, डायरेक्ट लिखा तो भी चलता। यानी किसी भी क्वांटिटी में अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा, अब इसी को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप इंटू कर लो, 100 हो जाएगा वो परसेंट में, ठीक है। तो ये आपको देखना है, यहाँ पे देखो क्या कहा, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, आपको मालूम है रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, इनमें एरर दी है, ठीक है, इनमें क्या दिए, एरर। तो जैसे अगर हम बात करते हैं आंसर के, तो मैं लेंथ के लिए ले लेता हूँ, लेंथ के लिए क्या हमारे पास में, लेंथ के लिए एरर समझो कि डेल्टा यल अपॉन एल है, कितना परसेंट दिया है उन्होंने, 1%, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी साइड्स कहा तो लेंथ भी होंगी ब्रेड भी होंगी, तो ब्रेड में हमारे पास में अगर एरर लेते तो ये होगा, वो भी कितना परसेंट दिया है, 1% दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। तो एरिया में ले लेते तो समझो डेल्टा ए अपॉन ए, ये एरिया की बात है, लेकिन ये हमको निकालना है, ठीक। अब मुझे बताओ भला एरा एरिया का फार्मूला, रेक्टेंगल का एरिया क्या बोलेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम बात करते तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। अगर इसके अनुसार हमारे पास हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड, हो जाएगा ऐसा। अब एरर की बात करते हैं तो डेल्टा ए अपॉन ए, तो सब में एरर डाल दो। अब यहाँ पर आपको मालूम है यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या लिया था, z इज इक्वल टू ए इंटू बी लिया था। तो याद करो बरा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b था, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन क्या होगा, b होगा, ठीक है। अब ये कितना परसेंट है, इट इज 1%, ठीक है, प्लस ये भी कितना है, 1% है, ठीक है। इसलिए 1% कितना हो जाएगा, 2%, यानी हमारे पास में जो एरिया है, तो एरिया में हमारे पास में जो एरर आएगी वो एरर कितने परसेंट होंगे, 2%, ठीक है। इसलिए इसमें से हमारा आंसर जो रहेगा वो ये रहेगा, सी 2%, ठीक है। अब हो सकता कि हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स ना पढ़े, लेकिन हमने क्या किया है, वो टॉपिक्स तो पढ़े हैं, उस टॉपिक को बराबर अगर आप समझते हो सोचते हो तो आपको हर एक चीज़ मिलती है, क्योंकि हमने एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिवीजन, एरर इन पावर्स, ये सब पढ़ा है, ठीक है। सो उसी का ये हमारे पास में एग्जाम्पल था। आई होप कि इसके बाद में आप बराबर अच्छे से करेंगे, अगर किसी का रॉन्ग हुआ होगा तो, और जिसका अगर ऑलरेडी सही आया तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वो टॉपिक उसका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में, टिल देन बाय।